पंजाब दे पैसे दे नाल गुजरात च इलैक्शन लड़े जा रहे हैं, पंजाब दे पैसे दे नाल हिमाचल च इलैक्शन लड़े जा रहे हैं। देखो साढ़े दिल्ली वाले मॉडल राघव चड्ढा जी पिछले दिन एक पोस्ट पाई सी, क्रिकेट खेलदिया ने ते थले लिखा सी फुरसत दे पल। भाई थोड़े तो वाकई फुरसत दे पल है, सौ सौ थोनू गनमैन मिल गए, करोड़ां दियां कोठियां मिल गईयां, करोड़ां दियां गड्डियां दे दियां थोनू पंजाबियां ने, थोड़े तो पैर दे थले बटेरा आया है। भाई सिद्धू मूसे वाले नू इंसाफ दवाइए, भाई दीप सिद्धू नू इंसाफ दवाइए, यही साडे पंजाबियां दी एक बहुत वड्डी जित होएगी और इन्हां सरकारां तो सानू कोई उम्मीदां नहीं। लड़ाई सानू खुद लड़नी पेगी, ते उल्टा जेड़ा कोई इत्थे पंजाब दे हकां दी गल करदा है ना, नशियां दे खिलाफ लड़दा है, उस ते झूठे परचे पा दित्ते जांदे ने। मुंडे तां मुंडे, अज कुड़ियां भी नशे ते लग गईयां ने, हालात ने साडे पंजाब दे, सानू आम लोकां नू फिकर है पर इस सरकार दे कन्न ते जू तक नहीं सरक रही, सरकार नू कोई फिकर नहीं। जदों प्रचार चल रहा सी ने तां भगवंत मान जी एक गल कहंदे हुंदे सी, इह उह सरकार है जिहड़ी पिंडां दीआं सत्थां तों चलूगी, जिहड़ी पिंडां दीआं खुंडां तों चलूगी, पर तुसीं मैनूं दसो इह सरकार चलदी कित्थों है। जदों पंजाब दे विच लगातार चिट्टे नशे नाल मौतां हो रहियां सीगियां तां पंजाब दे विच इक मरो जां विरोध करो नाम दा हफ्ता मनाया गया सी, उस दी अगवाई भाई लखे सिधाने ने कीती सी, मैं खुद नाल सी, असी मानसा दे कुछ क पिंडां दे विच रोस मार्च कीते सी। सिंघां दी देग भी फतेह ते सिंघां दी तेग भी फतेह, सिंघां दे तख्त भी फतेह ते सिंघां दे रक्त भी फतेह, सिंघां दी सरहंद भी फतेह ते चमकौर भी फतेह, सिंघां दी जंग भी फतेह ते जंगां दा शोर भी फतेह, सो जमीन तो लैके आसमान तक गूंजे फतेह ही फतेह। कहंदे ने जिहदी जुबान ते फतेह ते उहदी जहान ते फतेह, सो गज के फतेह दी सांझ पाईए, वाहे गुरु जी का खालसा। जिन्ना वड्डा इकट्ठ होया उन्नी वड्डी फतेह दी सांझ नहीं पाई गई, सो निम्रता ते सत्कार सहित गज के फतेह दी सांझ पाईए, एक बार फिर तो सारे जाने हाथ खड़े करके फतेह दी सांझ पायो, वाहे गुरु जी का खालसा। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा सब दा, तुसी अपने कीमती समय दे विचो समा कढ के अज एक छोटे जे सद्दे ते इत्थे पहुंचे हो। मंच ते विराजमान भाई लखा सिधाना जी, सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी, सरदार मनदीप सिंह मन्ना जी, इस तो पहला भाई अमृतपाल सिंह बोल के गए, भाई सुख जगराऊं, भाई जगदीप रंधावा, ये सारे ओ लोग ने जिन्हां ने समय समय से पंजाब के हकों लिए पंजाब के भख के मसलों से लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे ने, ते सामने तुसी ओ लखां लोग बैठे हो जेड़े राजनीति तो उपर उठ के, जिन्हां ने पार्टी बाजी तो उपर उठ के पंजाब दे हक्कां लई तुसी लोक लड़े हो, पंजाब दे हक्कां लई तुसी लोकां ने आवाज बुलंद कीती है, चाहे वह साडे चंडीगढ़ का मसला सी, चाहे साडे पंजाब दे पानियां दा मुद्दा सी, पंजाब दे पंजाबी बोलदे इलाकियां दा मुद्दा सी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट का मुद्दा, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का मुद्दा, ते चाहे नशे दे नाल हो रही मौतों का मुद्दा, तुसी लोकां ने अगे होके लड़ाई लड़ी है, पर समय समय दियां सरकारां ने हमेशा साड़ी आम लोकां दी आवाज नूं दबाउण दी कोशिश कीती है, हमेशा साडे आम लोकां दी आवाज नूं बंद करन दी कोशिश कीती है, चाहे झूठे परचे पवा के, चाहे होर हथ कंडे अपना के, ते होर पुठे सिद्धे तरीकियां दे नाल। अज आपां जिस विशे नूं लैके सारे इकत्तर होए हां उह है कि भाई लखे सिधाने ते नशे दा ते होर सख्त धरावां ला के झूठा परचा पाया गया। तुसी सारे लोग अपने दिल ते हथ रख के दस्यो कि तुहानूं लगदा है कि भाई लखा सिधाना सचमुच नशे विकवा सकदा है, जवाब जरूर दिओ, तुहानूं लगदा है। मैं
पिछले 5-6 सालों तो 22 लख सदाने नू जानदियां, हर व्यक्ति च कमियां हुंदियां ने, मेरे च कमियां होणगा, तुहाडे च कमियां होणगा, 22 लख सदाने च लख कमियां होणगा, पर मैनू विश्वास है इस गल दा कि 22 लख सदाना कदे भी नशे नहीं विचवाऊगा, कदे नहीं नशे वेचेगा। और इन्हां ने हमेशा नशियां दी लड़ाई सब तो मूहरे होके लड़ी है, आपां सारे इस गल नू भली भांति जानदे हां। जदों पंजाब दे विच लगातार चिट्टे नशे नाल मौतां हो रहियां सीगियां तां पंजाब दे विच एक मरो जां विरोध करो नाम दा हफ्ता मनाया गया सी, उस दी अगवाई 22 लख सदाने ने कीती सी, मैं खुद नाल सी, असीं मानसा दे कुछ क पिंडां दे विच रोस मार्च कीते सी, ते अज वी साडे पंजाब दी सब तो वड्डी लड़ाई है नशियां दी लड़ाई। पिछलियां सरकारां नालों अज चिट्टे नशे दे अत्तवाद ने सिवियां दीयां लाटां दे धुएं नूं होर उच्चा करता है। असीं हर रोज सोशल मीडिया ते देखदे हां, असीं हर रोज सोशल मीडिया ते देखदे हां, पिछले दिन ही एक कपूरथले दा 18 सालां दा नौजवान नशे नाल चलिया गया। उस तो पहला एक कुड़ी दी वीडियो वायरल होई सी जो गली विच खड़ी नशे दे हालात दे विच सी ते झूल रही सी। उस तो बाद कल एक फेर वीडियो वायरल हुंदी है, एक कुड़ी बेंच ते पई सारे नशे दे हालात दस रही है, उहनूं कोई सुरत नहीं। मुंडे तां मुंडे, अज कुड़ियां भी नशे ते लग गईयां ने, हालात ने साडे पंजाब दे। सानू आम लोकां नूं फिकर है पर सरकार दे कन्न ते जूं तक नहीं सरक रही, सरकार नूं कोई फिकर नहीं। पंजाब दे पैसे दे नाल गुजरात च इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, पंजाब दे पैसे दे नाल हिमाचल च इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। देखो साडे दिल्ली वाले मॉडल राघव चड्ढा जी, पिछले दिन ही एक पोस्ट पाई सी क्रिकेट खेडदियां ने, ते थल्ले लिखिया सी फुरसत दे पल। भाई थोड़े तो वाकई फुरसत दे पल है, 100-100 थोनू गनमैन मिल गए, करोड़ां दियां कोठियां मिल गईयां, करोड़ां दियां गड्डियां देतियां थोनू पंजाबियां ने, थोड़े तो पैर दे थल्ले बटेरा आया। किसी भी इन्हां दे MLA ने, किसी भी इन्हां दे मंत्री ने पिछले 6 महीनों च जिन्हां मापिया का पुत नशे नाल इस दुनिया तो चला गया, उन्हां दे नाल जाके दुख सांझा किया, उन्हां नू दिलासा दिता, नहीं भरावो इन्हां नू पंजाब दे लोकां दी, पंजाब दी आवाम दी, पंजाब दे नौजवानां दी कोई फिकर नहीं है। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਘਾਟੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਈਏ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਈਏ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆ ਗੱਭਰੂ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀ,
जेड़े पिंडां दियां खुंडां तो चलोगी, पर तुसी मैनू दसो ये सरकार चलदी कित्थों है? सुनिया नी, फिर दस दो कित्थों चलदी आ। ते आही गल तां असी कहिंदे सी जदों असी जा जा के कहिंदे सी ना वी दिल्ली तो सरकार चलूगी, उदों बाबे तुसी कह दिंदे सी ना जी ये सरकार तां असी चलावांगे, भगवंत मान साहब ने कहा चला लो हुण सरकार। सो भरावो एकजुट होके लड़ाई सानू लड़नी पैनी है, साडी नौजवानी नू बचाउण दे लई, साडी किसानी नू बचाउण दे लई। इन्ने शब्दां दे नाल समाप्ति कर दियां, गज के फतेह दी सांझ पा दिओ। वाहेगुरु जी का खालसा। पिछे खड़े भरावां नू बेनती है, इधर भी खड़े ने ते इधर भी, तुसी नहीं हथ खड़े कर दे, हथ खड़े कर दिओ। वाहेगुरु जी का खालसा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।